ओम शांति। 31 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य हैं, सवेरे सवेरे उठ बाबा को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। सवेरे सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, एकांतमय होता है। उस समय परमात्मा की याद से शक्तियाँ मिलती हैं और हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध पारस बन जाती है। दूसरी बात बाबा ने समझाई, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अगर हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो हमें अविनाशी खुशी की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान रत्न कोई मामूली बात नहीं है, ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। जितना हम इसे याद दान करेंगे, शिव बाबा की याद में रहेंगे, उतना हम खुश रहेंगे। और परहेज किस चीज़ की करनी है? जो हमारे से कोई भी पाप कर्म ना हो, अन्न की बहुत परहेज करनी है। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका सारा असर पड़ता है। हर एक के सर्कमस्टांस देखे जाते हैं, ये बात समझने की है। और आप सभी भाई बहनों को विशेष ध्यान देना है, जो हमारे घर में धन आ रहा है वो बद्दुआओं से कमाया हुआ तो नहीं है, किसी का छीना हुआ तो नहीं है, रिश्वत का तो नहीं है। हमारे घर में वही धन आना चाहिए जो मेहनत का हो। मेहनत का धन कभी भी बीमारी नहीं देता, मेहनत का धन कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं देता है। इसलिए हमारा धन जो है बड़ी शुद्धता के साथ कमाया हुआ, परमात्मा की याद में कमाया हुआ, जितना जायज़ बनता है उस भाव से कमाया हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे से फिर कोई पाप नहीं होगा। दूसरी बात हमेशा ये रखनी है कि हमारा अन्न बहुत शुद्ध होना चाहिए। हमारा अन्न जो है जिस भावना से बनता है उस भावना का असर खाने वाले पे बहुत होता है। अगर आप बहुत प्यार से बनाते हैं, प्यार से खिलाते हैं तो खाने वाला खुश हो जाता है, उसमें भी शक्ति आ जाती है। तो भोजन बनाने वाले अटेंशन देंगे कि हमें भोजन परमात्म प्यार में रह करके, परमात्म याद में रह करके बनाना है, ताकि खाने वालों को भी परमात्मा की याद आए, उनकी बुद्धि शुद्ध रहे और उनके सारे कार्य सफल हो। उसके लिए हमें आत्मा का पाठ पक्का 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 पढ़ना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर के श्रीमत देता हूँ। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, हे आत्मा सुनती हो, ये सोचो मैं आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती हूँ। परमात्मा खुद आकर के ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, जिसको दुनिया में गौमुख कह दिया है। कहते हैं ना, गंगा का जल समझते हैं जो गौ के मुख से निकलता है। अब तुम जानते हो, जो परमात्मा आके ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देता है ये उसी के लिए गाया जाता है, गौ माता कहते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ हो जाती है, इस बात को हमें अच्छी रीति समझना है। यह ज्ञान हमें ही मिलता है, देवताओं को नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा कहते, तुम ब्राह्मण कहलाते हो, ब्राह्मणों को ही भगवान का ज्ञान मिलता है। बाकी परमात्मा कहते हैं, तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है, विचार सागर मंथन भी करना है, माला का दाना बनना है तो बाप की याद में रह पवित्र भी बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान भी देना है। मैं तुम्हें आकर के कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। अब तुम्हें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कन्याओं को भी समझाया जाता है, तुम जितना बंधन मुक्त रहो उतना अच्छा। कन्या की कमाई माता पिता नहीं खाते, माँ बाप कन्या को पूजते हैं। अन्न की शुद्धि का परहेज सबको रखना है। बाकी लाचारी हालत देख के राय लेनी है, हम उस हालत में क्या करें। बाकी मानो ना मानो, बाबा का तो फर्ज बनता है समझाना। सीधी सी बात बाबा समझाते हैं, बच्चे ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सबको मिलता है, तुम तीन पैर पृथ्वी में ये खोल सकते हो। बाबा तो बहुत निरअहंकारी बन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें भी आपस में मिलकर के एक दूसरे का कल्याण करना चाहिए, सेंटर चलाना चाहिए और हर एक को घर का और बाबा का रास्ता बताना चाहिए। वरदान है आज का, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना।
अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना, योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात परसेंटेज को बढ़ाना, ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना, इसमें ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। प्रश्न है, ज्ञान और योग में नवीनता का अर्थ क्या है? दूसरा, सबसे बड़ी पर्सनालिटी क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें कौन से रत्नों का दान करना है और क्यों? चौथा, कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज करनी है? और पांचवा प्रश्न है, बाबा की याद के साथ साथ कौन सा चक्र फिराना है?